जय हिंद स्टूडेंट, यू हैव आस्क्ड मी मैकबेथ। हाँ, मैकबेथ के एक्ट टू सीन थ्री की बारी है और सारे सीन्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं मैंने। बस आपको करना क्या है, मैकबेथ लिखना है, एक्ट का नंबर लिखना है और सीन लिखना है और आगे लिख देना है आपका अपना चैनल स्टार कॉमर्स। हाँ सर, तरुण रूपानी कॉमर्स। बात करते हैं एक्ट टू सीन थ्री। सबसे पहले ये सीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है मैकबेथ का, क्योंकि इस सीन में पोटर सीन के नाम से जाना जाता है, जिसमें पोटर, हाँ वो जो कह सकते हैं गार्ड टाइप का व्यक्ति, वैसे तो पोटर कूली होता है पर यहां पर है वो जो गेट ओपन कर रहा है व्यक्ति, वो है पोटर। और पोटर सीन एक तरह का मर्डर ऑफ डंकन के बाद का एक रिलैक्सेशन सीन है, ऑडियंस के टेंशन को, प्रेशर्स को रिलीज करने के लिए है, क्योंकि कुछ हद तक वो आने वाला फ्यूचर भी बताएगा कि मैकबेथ एक हेल की तरह, मैकबेथ का कासल एक हेल की तरह है, वहां का वो पोटर है, ऐसा वो बिलीव करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो कुछ ऐसे अम्यूजिंग हाँ टर्म्स में बात करेगा कि ऑडियंस रिलैक्स हो जाएगी। आइए समझते हैं क्या है सीन। तो डंकन का मर्डर हो चुका है और मैकबेथ और लेडी मैकबेथ एक्टिंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि मर्डर तो उन्होंने किया है पर वो ड्रामा करेंगे जैसे मानो उन्हें कुछ पता ही नहीं है। और ये रहा वो सीन शुरू। तो नॉकिंग विद इन, तब तक नॉकिंग आने लगेगी, ठक ठक की आवाज आने लगेगी और मैकबेथ के कासिल में जो मैकबेथ का पोटर है उसे नॉकिंग सुनाई दे रही है, हेयर्स नॉकिंग इंडीड। तो ये पोटर बड़बड़ाता हुआ कहां जा रहा है, गेट को खोलने, क्योंकि दरवाजे पे नॉकिंग हो रही है। इफ अ मैन वर पोर्टल ऑफ हेल गेट ही शुड हैव ओल्ड टर्निंग द कीज। तो अपने आप को महसूस कर रहा है कि अगर मैं पोर्टर होता हेल गेट का, मैं अगर नरक के दरवाजे का एक पोर्टर होता, एक गार्ड होता, तो मेरे पास पुरानी चाबियां होती जिससे मैं उस हेल के दरवाजे को खोलता। तब तक और नॉकिंग होने लगती है, एंड हूज देयर इन द नेम ऑफ द बेल्जीबब। वैसे बेल्जीबब एक कह सकते हैं डेविल का नाम है। और वो कहता है कि कौन आ गया भाई जो इतना नॉक कर रहा है, तो वो खुद ही अपने आप को जवाब दे रहा है कि कौन आया होगा। ये पहला, ये तीन नॉकिंग होगी। पहली नॉकिंग में उसे महसूस होगा कि एक फार्मर आया है, दैट हैंग्ड हिमसेल्फ ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लेंटी। तो फार्मर ने सुसाइड कर लिया है और सुसाइड करके कहां पहुंचा है, नरक में, जहां का ये पोटर है। और वहां पे क्यों आया है, क्योंकि फार्मर ने लालच ये किया कि उसने ग्रेन्स उगाए पर उसको होल्ड कर लिया ताकि खूब पैसे कमा सके, ताकि जब फेमाइन आएगा बाजार में तो वो खूब पैसा कमा पाएगा, पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो फार्मर ने सुसाइड कर लिया। वो फार्मर आया, देखिए क्या कहता है वो फार्मर से, ये स्टेटमेंट वो अम्यूजिंगली फार्मर को कहता है, कम इन टाइम, हैव नैपकिन इनफ्स अबाउट यू, मतलब तुम एकदम सही समय पे आए हो और अपने साथ हैंकरचीफ लाए हो कि नहीं लाए हो, क्यों हैंकरचीफ, क्यों, क्योंकि हेयर यू विल स्वेट फॉर इट, यहां तुम्हें खूब पसीने बहाए जाएंगे। कहते हैं ना नरक में लोगों को तेल के पकोड़े, तेल की कढ़ाई में छाना जाता है, भुना जाता है, तो इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है कि वहां ऊपर आए हो, यहां तुम्हें क्या होगा, हाँ खूब फायर में पकाया जाएगा, इसीलिए तुम पसीने पसीने हो जाओगे। तब तक फिर नॉकिंग आती है, ये सेकंड है उसका, पोर्टर का, फिर नॉकिंग आ रही है, एंड हु इज देयर इन द अदर नेम्स, डेविल्स नेम, जैसे पहला डेविल नाम दिया था वैसे ही अब सेकंड डेविल का नेम कह रहा है। और माय फेथ, हियर इज एन इक्विवोकेटर दैट कुड स्वेयर इन बोथ द स्केल्स अगेंस्ट आइदर स्केल। तो अब ये जो सेकंड बार जो नॉकिंग है, इस पे पोर्टर कहता है कि अब आया है ऊपर कौन, एक इक्विवोकेटर। इक्विवोकेटर ऐसे बोलेंगे आम भाषा में तो एक तरह का स्कीमर होता है, स्कीमर, लायर, झूठा, एक ऐसा व्यक्ति जो कहता किसी एक के पक्ष में है पर वो एक्ट किसी और के पक्ष में कहता है। आम भाषा में, मेरी भाषा में सुनोगे तो जो व्यक्ति अपने शब्दों, अपनी बातों पर खरा नहीं उतरता है, कहता कुछ है और करता कुछ और है। हाँ, तो इक्विवोकेटर आया, एक तरह का लायर आया, एक तरह का धोखेबाज व्यक्ति आया है जो स्वीयर तो करता है कुछ और पर एक्ट दोनों की तरफ करने लगता है। तो कमिटेड ट्रेजन गुड फॉर द गॉड्स सेक येट कुड नॉट इक्विवोकेट टू हेवन। ऐसे व्यक्ति ने जिसने झूठ बोला, जिसने धोखेबाजी की लोगों के साथ, कहा किसी और को और मदद कुछ और कर रहा है, मतलब काम कुछ और कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति भगवान को धोखा नहीं दे सकते हैं। भगवान के आगे उसकी लाई नहीं चलेगी, झूठा नहीं चलेगा वो, क्योंकि उसने, यस, उसने न्याय करना है। तो ऐसा दूसरा व्यक्ति कौन पहुंचता है, हेल पहुंचता है, नरक में पहुंचता है, क्योंकि वो हेवन की तरफ इक्विवोकेट नहीं कर पाता है, स्वर्ग की तरफ नहीं जा पाता है। ओ कम इन इक्विटर, और वहां पे वो कहता है इक्विवोकेटर से कि आओ, तुम्हारा इस नरक में स्वागत है, नरक में तुम जैसे लोगों का स्वागत है। तब तक थर्ड बार नॉकिंग आती है, हु इज देयर,
faith, here an English tailor comes hither, stealing out of French hose. तो यहां पर एक चोर टेलर के रूप में है, एक एक ब्रिटिश एक इंग्लिश टेलर है जिसने फ्रेंच कपड़े चुराए हैं, क्योंकि उसे क्या करना है, हाँ, फ्रेंच होज, होज जानते हैं जो बैगी पैंट्स होती है ना, जो लूज पैंट्स होती है, हाँ, उस फ्रेंच होज के उसने कपड़े चुरा लिए हैं। ऐसा आपको पता ही होगा, टेलर को आप कपड़े दीजिए सिलने के लिए, कुछ हिस्सा अपने काट के रख लेता है, तो वही वाल हाल हुआ। तो उस टेलर को कहां बुलाया गया, नरक में, कमिन टेलर, हेयर यू मे रोस्ट योर गूस। वैसे तो टेलर का काम होता है क्या करना, आयरन करना, प्रेस करना बनाने के बाद, तो बोलता है यहां पर तुम्हें खूब आग मिलेगी तुम्हारे बदन को रोस्ट करने के लिए और तुम्हारे कपड़ों को आयरन करने के लिए। आयरन जानते हैं ना, प्रेस करना। तो वो कहता है कि आओ ऊपर, तुम्हें दोनों चीज मिलेगा, रोस्ट योर गूस भी करेंगे, तुम्हारे भी मांस को रोस्ट कर देंगे, इतनी आग है वहां पर। नॉक नॉक नॉक, नेवर रेट क्वाइट, व्हाट आर यू। तो अब इतनी नॉकिंग हो गई, चौथी बार भी नॉकिंग हो गई, अब ये पोर्टर परेशान हो गया, कहता है अरे बंद करो भाई नॉकिंग, बट दिस प्लेस इज टू कोल्ड फॉर हेल, कहता है ये प्लेस बहुत ठंडी है और ये हेल के लायक नहीं है। आई विल डेवल पोर्टर इट नो फर्दर, और मैं अब डेवल पोर्टर की तरफ बिलीव या बिहेव नहीं करूंगा। अभी तक तो वहां कहता है कि मैं डेवल का पोर्टर हूं, नरक का दरबान हूं। आई हैड थॉट टू लेट इन सम ऑफ ऑल प्रोफेशंस दैट गो प्रिमरोज वे टू द एवरलास्टिंग बॉनफायर। देखिए यहां पर एक बहुत ही डीप मीनिंग का है इसका मतलब। यहां पर वो कहना चाहता है कि मैं हर एक व्यक्ति को नरक में आने दूंगा, वो नरक का दरवाजा उनके लिए खुला हुआ है, जो प्रिमरोज वे से, प्रिमरोज वे होता है जो सेंशुअल, हाँ, जो आसान या प्लेजर वाले रास्ते से अपने आप को भटका लेता है, अपने जीवन के मार्ग को भटका लेता है, ऐसे लोगों को मैं नरक में बुलाना चाहता हूं। वहां पे हमेशा के लिए आग जल रही है, अर्थात वहां हर वक्त ऐसे लोगों के लिए मरने के लिए जगह बनी हुई है। तो इसीलिए एनॉन 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 मतलब आ रहा हूं, नहीं बोलते किसी को, अरे रुको भाई आ रहा हूं, मत ठक 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 करो। तो नॉकिंग नॉकिंग फिर उन्हें लगती है, वो चिल्लाता है पोर्टर, अरे भाई आ रहा हूं दरवाजा खोलने, और पोर्टर ओपन्स द डोर, और डोर खोलने के बाद, देखिए डोर खोलने के बाद कौन मिलेगा उसे, मैकडफ और लेनॉक्स मिलेंगे। मैकडफ और लेनॉक्स लॉर्ड हैं, जिनकी ड्यूटी है कि वो राजा मैलकम, सॉरी मैकडफ और लेनॉक्स की, ये लॉर्ड्स हैं जिनकी ड्यूटी है, राजा ने इन्हें ऑर्डर दे रखा था कि तुमको मुझे आना है अर्ली मॉर्निंग पिकअप करने के लिए। हाँ, राजा अकेले कैसे जाएगा। आई प्रे यू रिमेंबर द पोर्टर, और पोर्टर इससे भी कहता है, इन दोनों से भी कहता है कि मुझे याद रखना, समझ गए। और मैकडफ कहता है, वॉज इट सो लेट फ्रेंड, अर यू वेंट टू बेड, दैट यू डिड सो लाई, डेट यू डिड डू लाई सो लेट। मतलब मैकडफ क्वेश्चन करता है इस पोर्टर से कि क्या रात को तुम देर से सोए थे, जो तुम इतना लेट किए गेट खोलने में, हमने इतनी बार नॉकिंग की, जो आपने नॉकिंग सुनी ऊपर। तो अब पोर्टर देखिए क्या जवाब देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोर्टर एक जोकिंग मूड में है, रिलैक्स मूड में है, और पोर्टर कहेगा, फेथ सर वी वर कैरोसिंग टिल सेकंड कॉक एंड ड्रिंक सर इट इज अ ग्रेट प्रोवोकर ऑफ थ्री थिंग्स। अब झूठा नहीं है, सच्चा है पोर्टर, उससे बता देता है कि हम रात भर गा रहे थे, लेट नाइट तक हम, देखिए टिल टू लिखा है साफ साफ, हम कैरोसिन कर रहे थे, गा रहे थे, वैसे भी नशे में लोग गाते वाते रहते हैं, मस्ती मूड में रहते हैं, और नशा जो है वो तीन चीजों को प्रोवोक करता है। अब ये तीन चीजें क्या है, आइए मैकडफ यही पूछने वाला है। मैकडफ पूछेगा कि भाई वो तीन चीजें क्या है जो ड्रिंक के बाद आदमी प्रोवोक हो जाता है करने के लिए, ऐसी तीन चीजें क्या है जो इसमें नशे में करता है। आइए ध्यान से सुनिएगा, पोर्टर, मैनी सर नोज पेंटिंग स्लीप एंड यूरिन। नशे के बाद आदमी जब हैवी ड्रिंक कर लेता है तो उसके बाद उसका नाक लाल हो जाती है, हाँ नाक लाल हो जाती है, उसे नींद आती है, और वो बहुत यूरिन पास करता है। ये तीन चीजें। अब और क्या करता है, देखिए, लेचरी सर इट प्रोवोक्स एंड अनप्रोवोक्स। और क्या करता है लेचरी, लेचरी मतलब होता है सेक्सुअल और सेंशुअल डिजायर पैदा करता है। नशा आदमी को सेंशुअली डिजायर पैदा करने लगता है, थोड़ी देर के लिए डिजायर पैदा भी होती है, पर वो डिजायर नशे की वजह से क्या होती है, खत्म भी हो जाती है। तो प्रोवोक एंड अनप्रोवोक, इट प्रोवोक्स द डिजायर बट इट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस। तो आदमी के अंदर डिजायर तो जग जाती है सेंशुअल सेक्सुअल, बट वो सेक्सुअल डिजायर परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। देयरफॉर मच ड्रिंक मे बी सेट टू बी एन इक्विवोकेटर विद लेचरी। तो ड्रिंक भी, शराब भी कौन है, एक इक्विवोकेटर है जो लेचरी कर रहा है। मतलब आदमी नशे में भी है, चाहता भी है, डिजायर भी करना चाहता है सेंशुअल, बट वो पूरा भी नहीं कर सकता क्योंकि नशा उसे ऐसा करने नहीं देता। नशा भी एक लायर है, इट मेक्स हिम एंड इट मार्स हिम। तो नशे से उसके अंदर ताकत आता है, जुनून आ जाता है, पर वो उसके बाद क्या करता है, एम्पावर नहीं रहता है उसको करने के लिए। और इट सेट्स हिम ऑन, इट टेक्स हिम ऑफ। नशा उसके अंदर आग पैदा करता है, तो नशा उसकी आग को बुझाता भी है। इट परसुएड्स हिम
एंड डिसहार्टन्स हिम। देखा दोनों कॉन्ट्रा है, देखिए यही है इक्विवेटर का, व्यक्ति का रोल। इक्विवेटर ऐसा होता ना था, कहता एक है करता कुछ और है, मतलब वो दोनों तरफ की तरफ बात करता है। तो नशा भी वैसा ही है, इंसान के अंदर नशा एक इक्विवेटर की तरह है। इट मेक्स हिम स्टैंड टू एंड नॉट स्टैंड टू, मतलब यू हैव टू फेस इट और यू डू नॉट हैव द एबिलिटी टू फेस। ये दोनों ही नशा मेक कर देता है। इन कंक्लूजन इक्विवेकेट्स हिम इन अस्लीप एंड गिविंग हिम द लाय लीव्स हिम। तो फाइनली इक्विवेकेट कर जाता है, वो नींद कर जाता है और वो अपनी बातें पूरी नहीं कर पाता है, झूठ कर जाता है, झूठ बोल जाता है। नशा इंसान को ऐसा बना देता है। मैकडफ क्या बोलेगा, देखिए आई बिलीव ड्रिंक गेव दी द लाय लास्ट नाइट। तो मैकडफ क्लियर कहता है कि तुम नशे में थे इसीलिए तुम लेट आए हो। पोटर को कहता है, पोटर कहता है हां कबूल कर लेता है, देखिए दैट आई डिड सर एट द वेरी थ्रोट ऑन मी बट आई रिक्वेटेड हिम फॉर हिज लाय एंड आई थिंक बींग टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम दो ही टुक अप माई लेग्स समटाइम्स। यहां पर पोटर अभी भी मस्ती के मूड में है, मजाक के मूड में। वो सच में कबूल करता है कि हां मैंने शराब पी, शराब की वजह से मैं लेट आया, मैंने बहुत शराब पी, पर मैंने शराब को रिक्विट कर दिया, त्याग दिया था, है ना, क्योंकि शराब मुझे इक्विवेकेट कर रही थी, मुझे मुझे दो तरफा बना रही थी, है ना, जैसे कभी मुझे मेक करती थी कभी मुझे ब्रेक करती थी। तो मैंने शराब को छोड़ दिया और मुझे लगता है कि शराब इतनी स्ट्रांग थी कि उसने मेरा पैर जकड़ लिया। और शराब के बाद जैसे शराबी ने झूलने लगता है, गिरने लगता है, ना, तो उसकी पैर काम नहीं करते, वैसे ही कहता है कि मेरे पैरों को शराब ने जकड़ लिया, जैसे मेरे पैर क्या हो गए, लड़खड़ाने लगे। येट आई मेड अ शिफ्ट टू कास्ट हिम, पर फिर भी मैं क्या किया, वहां से उठकर चला गया जहां पे शराब थी। तो इस तरह से पोर्टर अपने आप को समझाता है। और अब मैकडफ पूछता है, इज दाय मास्टर स्टीयरिंग, क्या तुम्हारे मास्टर, कौन है मास्टर पोर्टर का, इस महल का, इनवर्नेस का मास्टर है मैकबेथ। तो मैकबेथ कहां है, क्या मैकबेथ जाग रहा है, तब तक मैकबेथ आ जाएगा और बोलेगा अवर नॉकिंग हैज अवेकेंड हिम, हियर ही कम्स। तो मैकबेथ को आता हुआ देख लेता है मैकडफ, ठीक है, और लेनॉक्स बोलता है गुड मॉर्नो, क्योंकि सुबह हो गई है, ध्यान रखिएगा अर्ली मॉर्निंग है। और मैकबेथ भी उसे जवाब देगा गुड मॉर्नो बोथ। मैकडफ पूछेगा इज द किंग स्टिरिंग, क्या राजा जागे हुए हैं, वर्दी देन। तो जानते हैं मैकबेथ को तो सब पता है, बोलेगा नहीं नहीं नॉट येट। तब तक मैकडफ फिर कहेगा ही डिड कमांड मी टू कॉल टाइमली ऑन हिम एंड आई हैव ऑलमोस्ट स्लिप्ड द आर। तो मैकडफ बताता है कि राजा ने मुझे ऑर्डर दिया है, किंग डंकन ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मुझे अर्ली मॉर्निंग आना पिक करने के लिए, मुझे उठाने के लिए, और मैं तो थोड़ा लेट भी हो गया हूं, है ना, मैं थोड़ा लेट हो चुका हूं। तब तक मैकबेथ बोलेगा आई विल ब्रिंग यू टू हिम, चलो मैं तुम्हें राजा के कमरे पे ले चलता हूं। मैकडफ आई नो दिस इज अ जॉयफुल ट्रबल टू यू येट इट इज वन। मैकडफ यहां कहता है मैकबेथ की तारीफ में कि राजा की सेवा करना, राजा के लिए इतने इंतजाम करना एक बहुत ही ट्रबलसम काम है। भाई कोई आपके घर में मेहमान आ जाए ऐसे सोचिए कितनी परेशानी है, बट उस परेशानी में भी खुशी मिलती है क्योंकि आपको अच्छा लगता है अपने मेहमानों का स्वागत करना। येट इट इज वन, परेशानी तो परेशानी है। तो मैकबेथ बड़ा अच्छा जवाब देता है द लेबर वी डिलाइट इन फिजिक्स पेन दिस, मतलब वो काम करने में मजा आता है, उस पेन को लेने में ज्यादा मजा है जिस काम को करने में अच्छा लगता है। मतलब जो चीज हमें अच्छी लगती है उसके लिए थोड़ा एफर्ट लगाना कोई तकलीफ नहीं देता है। मतलब हमें दूसरों की सेवा करनी अच्छी लगती है तो इसीलिए हमें अच्छा लगता है राजा का स्वागत करना। तो राजा का दरवाजा दिखाता है कि किस कमरे में राजा सोया हुआ है। मैकडफ जाता है सबसे पहले किंग के कमरे में। आई विल मेक सो बोल्ड टू कॉल फॉर इट इज माई लिमिटेड सर्विस। मैकडफ कहता है कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं जाऊंगा राजा को जगाऊंगा, ये मेरा बोल्ड कॉल होगा। लेनॉक्स, तो मैकडफ चला गया है किंग के रूम में। अब बाहर रूम के बाहर कौन है, लेनॉक्स है और मैकबेथ है। गोज द किंग हैंस टुडे, मतलब वो क्वेश्चन पूछता है क्या राजा आज ही चला जाएगा इनवर्नेस से। तो मैकबेथ बताता है हाँ हाँ आज वो चला जाएगा क्योंकि उसने आज अपने वादा पहले ही कर रखा था। द नाइट हैज बीन अनरूली, देखिए ध्यान से ये सीन ये बताना चाहती है कि कैसे एक बड़ी आपदा, एक बड़ा इल ओमेन हो चुका है। कहते हैं ना जब कोई बड़ी चीज, बड़ी घटना घटने वाली होती है तो नेचर भी हमें बता देता है। तो लेनॉक्स बता रहा है कि रात बहुत खराब थी, वेयर वी ले अवर चिमनीज वर ब्लोन डाउन एज दे से लेमेंटिंग हर्ड इन द एयर स्ट्रेंज स्क्रीम्स ऑफ डेथ। तो कैसा है एनवायरमेंट, रात के समय तूफान चल रहा था, धरती में बहुत तेज शोर मच रहा था और इतनी आवाजें, इतनी हवाएं चल रही थी कि चिमनीज तक उड़ गई। और क्या हुआ, चारों तरफ हवाओं में रोने की, लेमेंटिंग मतलब होता है क्राइम की आवाज आ रही थी और ऐसा लगता था कि किसी की मौत पे वो लोग रो रहे हैं, किसी के मरने पे रुदन हो रहा है। एंड प्रोफेसाइजिंग, और ऐसा लगता था कोई भविष्यवाणी हो रही है कि आने वाला समय और बुरा होने वाला है। जब डंकन मर रहा है तो सोची और कुछ बुरा होने वाला है। विद एसेंट
टेरिबल ऑफ डायर कंबशन एंड कंफ्यूज्ड इवेंट। तो क्या प्रोफेसिंग होने वाला है, क्या फोरकास्ट है कि डायर कंबशन बड़ी आग लगने वाली है और चारों तरफ केओस होने वाला है और आने वाला टाइम और बुरा होने वाला है और ट्रेजरी से भरा और बुरे समय आने वाले हैं इस आज की रात के बाद। द ऑब्स्क्योर बर्ड क्लेमर्ड द लिव लॉन्ग नाइट। तो रात भर आउल जो कि रात की चिड़िया होती है वो लिव लॉन्ग नाइट क्लेमर्ड कर रही थी। क्लेमर्ड मतलब होता है हूट करना, आउल हूट करता है। तो रात भर आउल हूट कर रहा था जो कि इल ओमेन का संकेत है। हाँ, आउल एक समझ गए ना, अपशगुन की चिड़िया है। सम से द अर्थ वाज फेवरेट्स एंड इट शेप। कुछ तो ये भी कह रहे थे कि अर्थ कांप रही थी, मतलब कुछ लोगों ने तो अर्थ का अर्थक्वेक भी महसूस किया। तो इस तरह से हमारा एनवायरमेंट क्या था, फेवरेबल नहीं था। ये डंकन की डेथ से पहले है। अब आइए मैकबेथ क्या जवाब देगा। हाँ, इट वॉज रफ नाइट। लेनॉक्स फिर जवाब देगा, माई यंग रिमेम्बरेंस कैनॉट पैरेलल अ फेलो टू इट। मतलब मेरे उम्र तो बहुत ज्यादा नहीं है बट मैं अब तक ऐसा कोई दूसरी रात आज तक मैंने महसूस नहीं, ऐसी डरावनी रात इससे पहले मैंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी। वैसे एक पैरेलल एग्जांपल मैं भी देता हूं, तुम और मैं इसे कबूल करेंगे कि कोविड से पैरेलल कभी एनवायरनमेंट आपने और मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, ऐसा समय जब पूरी दुनिया बंद, पूरे स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सब मम्मी पापा सारी फैमिली एक घर में कैद है, एक घर के अंदर है, बाहर नहीं जा सकते क्योंकि कोरोना फैला हुआ है, याद है? तो दैट टाइम वॉज अनपैरेलल टू फॉर ऑल ऑफ अस, क्या कहते हैं। तो यहां ये रात इनके लिए अनपैरेलल थी, लेनॉक्स के लिए, क्योंकि ऐसी बुरी रात कभी नहीं देखी। तब तक मैकडफ दौड़ता हुआ आता है डंकन के कमरे से और चिल्लाता है, हॉरर हॉरर हॉरर, मतलब बहुत भयानक हो गया है। टंग नॉट हार्ट कैन नॉट कंसीव नॉर नेम दी। मतलब न तो हम जुबान से और न तो हम हार्ट से कंसीव कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि क्या हुआ है। मतलब ही हैज नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन द डेथ ऑफ द डंकन। मैकबेथ और रेनॉक्स बोलेंगे, अरे हुआ क्या भाई। बोला कंफ्यूजन हैज नाउ मेड हिज मास्टरपीस। यहां देखिए कंफ्यूजन को कैपिटल सी से कर दिया गया है और यहां पे कंफ्यूजन को कह दिया गया है कि कंफ्यूजन ने अपना सर्वोच्च कर दिया है, द बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिया है। दैट मींस केओस हैज टेकन प्लेस। हाँ, चारों तरफ अशांति फैलने वाली है। मोस्ट सैक्रिलीजियस मर्डर हैड ब्रोक ओप द लॉर्ड्स एनॉइंटेड टेंपल। क्या हो गया, सबसे अपवित्र मर्डर। सैक्रिलीजियस मतलब होता है किसी पवित्र चीज को अपवित्र कर देना। राजा के शरीर को भगवान का शरीर माना गया है, तो किसी ने लॉर्ड एनॉइंटेड टेंपल, ऐसा माना जाता है जब कोई राजा, कोई जब किंग बनता है तो उस पर एक ऑयल लगाया जाता है उसकी बॉडी पर, एक तरह का होली ऑयल होता है जो उसे गॉड की तरह प्रेजेंट किया जाता है क्योंकि गॉड का वो रिप्रेजेंटेटिव होता है अर्थ में। तो राजा को मारना, उसके अनॉइंटेड टेंपल, टेंपल शरीर है, उसके टेंपल को मारना और उसका ब्लड बाहर निकालना, तो एक अपवित्र मर्डर हो गया है क्योंकि राजा के शरीर से उसकी आत्मा, उसकी जान निकाल ली गई है। दैट मींस द किंग इज डेड। मैकबेथ कहेगा, व्हाट इट इज, व्हाट इट यू से द लाइफ। मतलब यहां पे मैकबेथ ड्रामा एक्टिंग कर रहा है, क्या ड्रामा कर रहा है, क्या कहा मैकबेथ सरप्राइज होके और क्वेश्चन के सेंस में कह रहा है, अरे यहां पर डंकन की डेथ हो गई है। मीन यू हिज मैजेस्टी, मतलब तुम्हारा मतलब है कि राजा मर गए। तो मैकडफ कहेगा, अप्रोच द चैम्बर, जाओ उस चैम्बर में और डिस्ट्रॉय और साइट विद अ न्यू गॉर्गन। तो गॉर्गन कौन है, एक इमेज आपके लिए मैंने यहां रखी है। गॉर्गन, ये तीन गॉर्गन्स हैं, तीन सिस्टर्स हैं बेसिकली, ये मॉन्स्टर है, ये एक तरह की ग्रीक माइथोलॉजी है। हाँ, वैसे रियल घटना नहीं है, ग्रीक माइथोलॉजी है। इसमें जो वुमेन्स होती है उनके बालों की जगह क्या होते हैं, सांप होते हैं, उनके बालों में हेयर की वजह स्नेक्स होता है और ऐसा माना जाता है इनके पास इतना पावर होता है कि जो इन्हें देखता है वो उससे देख करके उसे पत्थर में कन्वर्ट कर सकती है। मतलब तुम देख रहे हो तो तुम्हें वो पत्थर का बना सकती है। तो वो कह रहा है मैकडफ, तुम जाओ कमरे में और जाओ, तुम भी गॉर्गन बन जाओगे जैसे गॉर्गन को देख करके। तो एक नया गॉर्गन है डंकन की डेड बॉडी। डू नॉट बिड मी स्पीक, मुझे बोलने के लिए मत कहो, जाओ खुद देख लो। तब तक मैकडफ और मैकबेथ वहां से चले जाते हैं। अवेक अवेक, तब तक मैकडफ चिल्लाता है, जागो, खतरे की घंटी बजाओ, मर्डर ट्रेजन गद्दारी हो गई है, डंकन सॉरी बैंको डोनेल्बिन उन सबको जगाने चला जाएगा, मेलकम उठो, शेक ऑफ दिस डाउनी स्लीप, इस रात की शॉर्ट स्लीप से उठो क्योंकि ये स्लीप डेथ का काउंटर फीट है। ऐसा माना जाता है हम जब सो रहे होते हैं तो मौत को फेक मौत, मतलब फॉल्स डेथ होती है हमारी। हाँ, एक तरह की मौत ही होती है हमारी, जैसे मौत में हमेशा के लिए सो जाते हैं पर स्लीप में फेक काउंटर फीट मतलब नकली मौत। एंड लुक ऑन टू द डेथ इटसेल्फ, तो अपनी नकली मौत से उठो,
अपनी टेम्पररी मौत से उठो और असली मौत को देखो, असली मौत मतलब डंकन की डेथ। अप एंड सी द ग्रेट डूम इमेज, उठो और डूम की इमेज देख लो, आज दुनिया खत्म हो रही है, आप सब इतनी बड़ी बर्बादी कभी नहीं देखे होगी। डंकन की डेथ को कंसिडर कर रहा है डूम्स डे से, जब दुनिया सब खत्म हो जाने वाली थी। मेलकम डोनाल्बिन, एज फ्रॉम योर ग्रेव्स राइज अप एंड बेक, तो मेलकम और डोनाल्बिन उठो जैसे कि कोई लाश कब्र से बाहर निकलती है, जल्दी उठो और उठ के स्पिरिट्स की तरफ चलो और फेस दिस हॉरर। कॉन्टिनेंस मतलब होता है फेस करना, किसको फेस करना है, देखो वो डरावना दृश्य देखो जिसमें डंकन तुम्हें मरा हुआ दिखाई दे रहा है। राइजिंग रिंग द बेल, और घंटी बजा देते हैं, मौत की घंटी बजा देते हैं, और ऐसी घंटी सुनकर की लेडी मैकबेथ आती है। लेडी मैकबेथ तो जानते ही है एक फोर्थ विच है पूरे प्ले में, आपके इस प्ले में फोर्थ विच है। व्हाट द बिजनेस दैट सच अ हाइडियस ट्रम्पेट कॉल्स टू पार्ले द स्लीपर्स ऑफ द हाउस, स्पीक स्पीक। लेडी मैकबेथ भी एक्ट कर रही है, ड्रामा कर रही है, कह रही है इतनी बेल बजाई गई है, सारे मेंबर्स के घर को जगा दिया गया है, कुछ डिस्कशन करना है, पार्ले करना है क्या, पार्ले मतलब बात करनी है क्या, क्यों बुलाया सबको। तब मैकडफ को कहता है, ओ जेंटल लेडी इट इज नॉट फॉर यू टू हियर व्हाट आई स्पीक। इसका मतलब है मैकडफ भी लेडी मैकबेथ को पहचान नहीं पाया है, कोई नहीं पहचान पाया इस क्रूएल लेडी को। कहता है कि ये जो बात है वो आपको सुनने लायक नहीं है। द रिपीटेशन इन अ वुमेन्स ईयर वुड मर्डर, अगर एक औरत सुनेगी ये गा तो उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। और तब तक बैंको भी आ जाएगा उठ करके, याद है बैंको सोया हुआ था, बैंको आ जाएगा, ओ बैंको रॉयल मास्टर्स मर्डर, और बैंको हमारे राजा की मृत्यु हो चुकी है, उसको मर्डर कर दिया गया है। लेडी मैकबेथ बोलती है अल्लास, जैसे नहीं होता कि बहुत 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 तबाही हो गई है, व्हाट इन अवर हाउस, और वो भी मेरे घर में। देखिए बैंको क्या कहेगा, टू क्रूअल एनीवेयर, अरे वो मर्डर चाहे तुम्हारे घर में हुआ हो, मैं लेडी मैकबेथ के लिए कहता है, या कहीं भी हुआ हो, ये मर्डर सबसे क्रूअल मर्डर है। हाँ, राजा को मारना सबसे क्रूअल मर्डर है। डियर डफ, या मैकडफ के लिए कह रहा है, आई प्रे दी कॉन्ट्रडिक्ट दाई सेल्फ एंड से इट इज नॉट सो, अर्थात कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो मैकडफ, कह दो ये तुम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, अर्थात तुमने सच ना बोला हो, ऐसा तुम कह दो। तब तक जानते ही हो तो मर्डर हो ही चुका है। तब तक मैकबेथ, लेनॉक्स और रॉस आ जाते हैं। मैकबेथ कहता है, हैड आई बीन डेड एन आवर बिफोर दिस चांस, काश डंकन की मृत्यु से एक घंटा पहले मेरी मौत हो जाती, I had lived a blessed time. तब मैं ज्यादा blessed रहता, मैं बहुत ज्यादा पवित्र रहता, खुश रहता। For from this instant there is nothing serious in mortality. क्योंकि आज के बाद मेरे जीवन में, मेरे इस शरीर में mortality नाम की कोई चीज नहीं है, अर्थात मैं मरा हुआ हूं, मतलब मेरे लिए जीवन अब कोई सीरियसनेस नहीं रखता है, मेरे लिए जीवन कोई जरूरी नहीं है। All is but toy. अर्थात इस लाइन का बहुत गहरा अर्थ है, All is but toy मतलब होता है ये सारी चीजें क्या है, मेरे लिए बेकार है। Everything for me is of no use. कहते हैं ना, सब चीज मेरे लिए खिलौना है, तो उसके लिए लगता है कि पूरा जीवन मेरे लिए अब क्या हो गया है, खिलौना है। Renown and grace is dead. हमारे पवित्र राजा, graceful राजा, एक popular राजा, Lord Duncan is dead. Rather, King Duncan is dead. The wine of his life is drawn. कहते हैं ना, जीवन एक शराब की तरह है, तो वह शराब जो उसमें जितने समय तक की थी, जीवन रूपी शराब जो डंकन के पास थी, वह शराब खत्म हो गई है। एंड द मियर लीज, ये लीज मतलब होता है आखिरी कतरा, होता ना शराब को अगर पूरी पी ली जाए और ग्लास उल्टा कर दिया जाए तब भी कुछ ना कुछ ड्रॉप्स रह जाते हैं, उसे कहते हैं लीज। द मियर लीज इज लेफ्ट दिस वॉल्ट टू ब्रेक ऑफ, तो अब सिर्फ आखिरी का कतरा बचा है, अर्थात हम लोग के जीवन में भी क्या है, अब शराब की तरह ये जीवन खत्म है हमारा। तब तक मेलकम और डोनाल्बिन आ जाते हैं, मतलब राजा का दो बड़े बेटे, बड़ा बेटा और छोटा बेटा आ जाता है। मेलकम और डोनाल्बिन भी आश्चर्यचकित है, डोनाल्बिन पूछता है, अरे क्या गड़बड़ हुई है हमें, मतलब क्या रॉन्ग हुआ है। मैकबेथ बताता है, यू आर डू नॉट नो, मतलब तुम्हें नहीं पता है, द स्प्रिंग द हेड द फाउंटेन ऑफ योर ब्लड इज स्टॉप्ड, अर्थात तुम्हें जीवन देने वाला जिसका खून तुम्हारे रगों में चल रहा है वो अब नहीं रहा, अर्थात राजा मर चुका है, द वेरी सोर्स ऑफ इट इज स्टॉप्ड, अर्थात तुम्हारे जीवन का सोर्स तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे, योर फादर इज मर्डर्ड। मेलकम बोलता है, अरे बाय हूम, किसने मारा, तो लेनॉक्स जवाब देता है कि उसके चैम्बर में, राजा के चैम्बर में जो थे गार्ड्स, देखा ना, दोज ऑफ हिज चैम्बर एट सीन हैड डन इट, जो राजा के चैम्बर में गार्ड थे, कैसे मालूम चला, क्योंकि उनके हैंड्स और फेसेस में खून लगा हुआ है, उनके डैगर भी में खून सना हुआ है, विच अनवाइप्ड वी फाउंड अपॉन देयर पिलोज, जो कि उनके पिलोज के ऊपर पाए गए हैं। याद रखिएगा, ये डैगर लेडी मैकबेथ वापस रखे गई थी, याद है ना, तो ये डैगर उनके पिलो में पाए गए हैं जिन्हें खून सना हुआ है। दे स्टेयर्ड एंड वर डिस्ट्रैक्टेड, तो ये जो गार्ड्स हैं राजा के जो पर्सनल गार्ड्स होते हैं, वो खुद भी आश्चर्यचकित हैं, स्टेयर कर रहे हैं, घूर रहे हैं और डिस्ट्रैक्टेड है, मतलब दे आर आउट ऑफ माइंड कि हुआ क्या भाई,
नो मैन्स लाइफ वॉज टू बी ट्रस्टेड विद देम, अर्थात किसी और का जीवन उनके हाथ में सुरक्षित नहीं है, ऐसे गार्ड्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये कह रहा है लेनॉक्स। तब तक मैकबेथ बताएगा, येट आई डू रिपेंट मी ऑफ माई फ्यूरी, मैं अपने गुस्से पर, फ्यूरी मतलब होता है बहुत एक्सेसिव एंग्री होना, मैं अपने गुस्से पर माफी मांगता हूं, दैट आई डिड किल देम। यहां पे मैकबेथ ने अपना दूसरा रूप भी दिखा दिया, गुस्से का बहाना कर उसने दोनों यस जो लॉर्ड्स थे गार्ड्स थे उनको मार दिया, राजा के जो गार्ड्स थे उनको मार दिया। तो मैकबेथ पूछता है व्हाई वेयर फोर, क्यों मारा भाई तुमने उनको, तो मैकबेथ बहुत अच्छे से बहाना दे देगा, हु कैन बी वाइज अमेज्ड टेम्परेट एंड फ्यूरियस लॉयल एंड न्यूट्रल इन अ मोमेंट, अर्थात इस मोमेंट पे इस समय कौन काम रह सकता है, कौन वाइज मतलब अकलमंद से बिहेव कर सकता है, कौन इस गुस्से पे काबू कर सकता है, जो सचमुच राजा को प्यार करता है, जो राजा से सच्चा प्यार करता है, उसका वफादार है, वो इस समय काम रह ही नहीं सकता है, नो मैन कोई नहीं रह सकता है, द एक्सपेडिशन ऑफ माई वॉयलेंट लव आउटरन द पॉजर रीजन, अर्थात मेरे अंदर जो राजा के प्रति जो वॉयलेंट लव था, बेहद बे इंतहा प्यार था, वो मुझे रीजनिंग करने से रोक रहा था, अर्थात मैं पॉजर नहीं बनने वाला था, अर्थात मैंने किसी भी रीजन को न सुना और मैंने एक्शन ले लिया, और एक्शन क्या था, गार्ड्स को मार देना। हियर ले डंकन्स हिज सिल्वर स्किन लेज्ड विद गोल्डन ब्लड, तो मैंने डंकन की बॉडी को खून से सना हुआ देखा, एंड हिज गैश्ड स्टेप लुक्ड लाइक अ ब्रीच इन नेचर, ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर पे जो घाव है, राजा डंकन का जो शरीर कट गया था उस डैगर के स्टैब करने से, वहां से खून बाहर निकल रहा था, मानो किसी ने क्या कर दिया है, नेचर को वेस्ट कर दिया है, नेचर को तबाह कर दिया है। रियून वेस्टफुल एंट्रेंस देयर द मर्डरर्स स्टेप्ड इन द कलर्स ऑफ द ट्रेड, और वहीं पर ही राजा की बॉडी के बगल में ही ये मर्डरर्स भी मुझे दिखाई दे रहे थे, ये गार्ड भी मुझे दिखाई दे रहे थे, एंड देयर डैगर भी था साथ में, अनमैनरली ब्रीच जो कि खून से सना हुआ था, राजा के गोर, गोर मतलब होता है फ्लैश एंड ब्लड, राजा के खून से सना हुआ वो डैगर भी मुझे दिखाई दे रहा था, इसीलिए मैं बेकाबू हो गया। हु कुड रिफ्रेन दैट हैड अ हार्ट टू लव एंड इन दैट हार्ट करेज टू मेक लव नोन, अर्थात मुझे अपने प्यार को जताना था, करेज टू मेक माई हार्ट, मैं राजा के प्रति अपना प्यार जताना चाहता था, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत थी, मेरे अंदर हौसला था राजा की मौत का बदला लेने का, इसलिए मैंने गार्ड्स को मार दिया। तब तक लेडी मैकबेथ बोलती है, लेडी मैकबेथ ड्रामा कर रही है फेंट होने का, यहां लेडी मैकबेथ फेंट हो जाएगी, मैकबेथ मैकडफ आवाज लगाया कि अरे देखो लेडी मैकबेथ को पकड़ो, और मेलकम और डोनेल्बिन राजा के दोनों बेटे, बड़ा बेटा मेलकम अपने भाई डोनेल्बिन से बात कर रहा है, व्हाई डू वी होल्ड अवर टंग्स दैट मोस्ट मे क्लेम दिस आर्ग्यूमेंट फॉर अवर्स, मतलब हम अपनी अभी इस समय बातें या जुबान न खोले, क्योंकि अभी हो सकता है कि ये अभी हमारे खिलाफ ही आर्ग्यू करने लगे, डिस्कस करने लगे, सो इट इज बेटर दैट वी कीप मम। डोनेल्बिन भी बोलता है, हां हां मेलकम, What should be spoken here? यहां क्या बोलना है? Where our fate hidden augers hole? Auger hole मतलब एक तरह की ड्रिल मशीन होती है, जैसे नहीं होती बामर नाम का एक ऐसी मशीन थी जो जमीन के अंदर गहरे होल कर सकती है, यहां पे मतलब है रिस्क लेना, अर्थात हमारी ही जान खतरे में है, क्योंकि हमारा दुश्मन इस समय है यही मौजूद, हमारा दुश्मन यही मौजूद है, जो अगर डंकन को मार सकता है तो जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसको भी मार देगा, तो इसलिए हमारा भाग्य एक ऑर्डर ऑगर होल में छुपा हुआ है, अर्थात रिस्क में है हमारा भाग्य, एंड मे रश एंड सीजर्स, हो सकता है कि हमारे मर्डरस हमारे तरफ बढ़ आए, अगर वो डंकन को मार सकते हैं हमें भी मार सकते हैं, सो लेट्स अवे, हमें यहां से मूव कर जाना चाहिए, अवर टीयर्स आर नॉट ब्रूड, अभी हमें आंखों के आंसू को बाहर लाने का समय नहीं है, आंसू को ब्रू करके बाहर आने का समय नहीं है, और दोनों भाई आपस में बात करते हैं, मेलकम कहता है हां हां डोनेल्बिन, नॉट अवर स्ट्रॉन्ग सोरो अपॉन आवर फुट टू मोशन, हमारे अंदर सोरो तो बहुत है गहरा, अर्थात पापा की मौत का, डंकन की मौत का गहरा सदमा है, पर हमारे कदमों को मोशन करने से रोक नहीं पाएगा ये, अर्थात हम अपने कदम चला करके यहां से बच निकलेंगे। तब तक बैंको आवाज लगाता है कि अरे लेडी को देखो, अर्थात लेडी मैकबेथ का ध्यान रखो क्योंकि वो गिर जाती है, एंड देन वी हैव अवर नेकेड फ्रेलिटीज हिड, अब बैंको बोलता है कि अभी हमने अपने शरीर को ढका था क्योंकि हम उठ चुके थे, नेकेड फ्रेलिटीज मतलब होता है नेकेड बदन, हिड मतलब होता है ड्रेस कर लेना, तो अभी हमने ड्रेस पहनी थी और हम अपने आप को तैयार कर रहे थे मीट करने के लिए, एंड द क्वेश्चन दिस ब्लडी पीस ऑफ वर्क टू नो इट फर्दर, अर्थात हम तैयार हैं अब जानने के लिए कि आखिर इस मर्डर के पीछे है कौन, क्वेश्चन करना चाहते हैं, फियर स्क्रिपल्स शेक अस, और हम खुद डरे हुए हैं, देखिए बैंको तक डरा हुआ है जो कि खुद एक जर्नल है, इन द ग्रेट हैंड ऑफ गॉड आई स्टैंड एंड देन अगेंस्ट अनडाइवर्ज प्रिटेंस आई फाइट ऑफ ट्रेचरस मिलाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां बैंको के इम्पार्शियल होने का पता चलता है और राजा डंकन के प्रति उसके वफादार होने का पता चलता है, कहता है कि मुझे डर है कि कुछ अन्याय
कुछ ऐसा हो जो जिसका हमारे साथ भी कुछ हो सकता है, मुझे इस बात का डर है, इससे मैं कांप रहा हूं, पर मैं भगवान को साक्षी मानते हुए मैं यहां खड़ा हूं और मैं ये वचन देता हूं कि मैं इस गद्दारी का, डंकन की मृत्यु का पता लगा के रहूंगा और मैं इसके लिए अडिग हूं, अर्थात आई विल फाइट फॉर दी डंकन्स मर्डर। और ऐसा ही मैकडफ बोलता है, हां मैं भी तैयार हूं, और बाकी सब लोग भी बोलते हैं हां हम सब तैयार है, अर्थात वहां लॉर्ड्स और भी थे। मैकबेथ बोलता है लेट्स ब्रीफली पुट ऑन अ मेमली रेडीनेस एंड मीट आई द हॉल गैदर, तो चलो हम सब गैदर होते हैं एक हॉल में और वहां डिस्कस करते हैं, पता लगाते हैं कि डंकन की मर्डर के पीछे कौन है। ऑल वेल काउंटेड वेल कंटेंटेड, हम लोग सब तैयार हैं, हां हां हम सब तैयार हैं एक हॉल में मीट करने के लिए। सब लोग चले जाते हैं उस हॉल में, पर दो लोग नहीं जाते हैं, मेलकम एंड डोनेल्बिन। मेलकम और डोनेल्बिन नहीं जाते हैं हॉल में मीटिंग करने के लिए। व्हाट विल यू डू, लेट नॉट कंसर्ट विद देम, मतलब हमें क्या करना है, हमें अपना प्लान अब औरों को नहीं बताना है। दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं, टू शो एन अनफेल्ट सोरो इज एन ऑफिस विच इज फॉल्स मैन डज से, अर्थात जो झूठा आदमी होता है वो दिखावा करता है दूसरों के आगे दुख जताने का, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ और चल रहा है, अर्थात उसे ये मालूम नहीं है कि कौन अभी उसके पिता का असली कातिल है। तो हो सकता है वो कातिल इनकी तलाश में हो, इसलिए कह रहा है कि फॉल्स मैन, एक फॉल्स मैन, एक आदमी जिसके दिल में गद्दारी है, वो बहुत आसानी से सौरों दिखा सकता है, दिखावा कर सकता है। इनडायरेक्टली वो समझ गए कि मर्डर कौन किया है, पर वो श्योर नहीं है। आई विल टू इंग्लैंड, मैं तो इंग्लैंड भागने वाला हूं, मैं तो इंग्लैंड जा रहा हूं, तो बड़ा भाई इंग्लैंड चला जाएगा, मेलकम, छोटा भाई डोनेल्बिन, मैं आयरलैंड जा रहा हूं। अवर सेपरेटेड फॉर्च्यून शैल कीप अस बोथ सेफ, अगर हम दोनों अलग अलग रहेंगे तो हम दोनों सेफ रहेंगे। वेयर वी आर द डैगर्स इन मैन्स स्माइल, हम जहां आज खड़े हैं यहां इंसान की मुस्कुराहट के पीछे खंजर है, दैट मींस लोग सामने तो मुस्कुराते हैं पर उनके मन में इनको मारने का प्लान चल रहा है, तो इनको अपनी मौत से बचना है दोनों को, दोनों ब्रदर्स को। द नियर इन ब्लड द नियर ब्लडी, तो जो जितना हमारा करीबी रिश्तेदार है वो हमारे खून का उतना प्यासा है, यह है इस लाइन का मतलब। मतलब इंडायरेक्टली कहना चाहता है कि हमारे किसी रिश्तेदार ने ही हमारे पिता का मर्डर किया है, और रिश्तेदार तो आप समझ ही गए मैकबेथ, और वो ही हमारे खून का प्यासा है, इनडायरेक्ट इंट दे रहा है। आइए मेलकम क्या बोलेगा, दिस मर्डरस शेफ्ट दैट्स शॉट, अर्थात जो तीर राजा को मारने के लिए निकला था तो उसने अपना काम तो कर दिया, येट नॉट अलाइटेड, पर वो तीर, वो शेफ्ट अभी वापस मयान में गया नहीं है, अभी तो सिर्फ उसने किसको मारा है, डंकन को मारा है। अवर सेफेस्ट वे इज टू अवॉइड द एम, और हमें क्या करना है, उस तीर के निशाने से बचना है, तीर निशाने पर लग चुकी है पर अभी तीर वापस लौटी नहीं है, तो हमको उसके रास्ते से हटना है, हमको बचना है, हम दोनों भाइयों को। देयरफोर टू हॉर्स, इसीलिए जल्दी से क्या करो, अपने अपने घोड़ों की तरफ भागो, एंड लेट्स नॉट बी डेंटी ऑफ लीव टेकिंग, जाकर के सबसे गुड बाय बाय बाय, फिर मिलेंगे, मैं आयरलैंड जा रहा हूं, मैं इंग्लैंड जा रहा हूं, ना ना ना, ना ये सब मत करना, डोंट टेक परमिशन एंड शिफ्ट अवे, जल्दी से चुपचाप खिसक लो। दोनों भाई वहां से खिसक लेते हैं, देयर इज वारंट इन दैट, और ऐसा करने में उनकी जान बचेगी। थेफ्ट विच स्टील्स इटसेल्फ वेयर देयर इज नो मर्सी लेफ्ट, तो वहां पर जहां पे लोगों के लिए आपके लिए दया नहीं है, वहां चोरी छिपे ही निकल जाना अपनी जीवन बचाने का अच्छा तरीका है। उस तरीके से दोनों भाई मेलकम और डोनेल्बिन अपनी जान बचाकर अलग अलग देश निकल जाएंगे, यहां पर दोनों चले गए। तो यहां पर खत्म होती है एक्ट टू सीन